2000 करोड़ की ड्रग की स्मगलिंग करने वाला प्रोड्यूसर गिरफ्तार। एनसीबी 4 महीने से ढूंढ रही थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर जाफर सादिक को आज गिरफ्तार किया गया है। उस पर विदेश में 2000 करोड़ रुपए की ड्रग की स्मगलिंग करने का आरोप है। एनसीबी 4 महीने से जाफर की तलाश कर रही थी। जाफर तमिलनाडु के सत्ताधारी दल डीएमके का पूर्व कार्यकर्ता था। मदुरै में 2 रेल यात्रियों और चेन्नई के एक डंप यार्ड से 180 करोड़ रुपए की मेथामफेटामाइन जब्त करने के एक हफ्ते बाद अधिकारियों ने जाफर की गिरफ्तारी की है। क्या नाम है? आज एक बड़ी सफलता में एनसीबी ऑपरेशंस ब्रांच ने जाफर सादिक अब्दुल रहमान, जो कि मास्टरमाइंड था, एक रैकेट चला रहा था सूडो एफेड्रिन को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजने का, उसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको ज्ञात होगा पिछले माह की 15 फरवरी को एनसीबी ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया था बसई दारापुर में, जहां पे 50 किलो सूडो एफेड्रिन और 3 अभियुक्त हम लोगों ने बरामद किए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे बताए गए उनकी प्रारंभिक पूछताछ में हमें पता चला कि जफर सादिक नाम का एक व्यक्ति है जो कि मास्टरमाइंड है और वो फ्रंट बिजनेस अपना फिल्म निर्माण का रखता है। आज उसको गिरफ्तार करने में हमने सफलता प्राप्त की। सर, क्या जफर के किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंध है? क्या पॉलिटिकल फंडिंग भी की गई थी इनमें ड्रग के पैसे से? जफर डिप्टी हेड ऑफ एनआरआई विंग ऑफ चेन्नई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीएमके अपने आप को बताता है। और जहां तक ड्रग मनी के ट्रेल की बात है, प्रारंभिक पूछताछ में इसने ड्रग मनी को फिल्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और कुछ लोगों की फंडिंग में भी बताया है। सर, क्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री के और भी लोग शामिल हैं? और क्या उसने मूवीज में, जो आपने बताया था कि एक मूवी में पूरा पैसा लगाया था, तो क्या उस बारे में? इसने कुछ फिल्में बनाई हैं जिसमें से एक फिल्म मंगई में पूरा पैसा ड्रग मनी का लगा है। इसके कुछ एसोसिएट्स हैं। आगे आने वाले समय में हमारी पड़ताल जारी रहेगी, हम आपको बताएंगे। सर, बॉलीवुड से भी कोई लिंक आया सामने? बॉलीवुड से भी लिंकेजेस आए हैं। वहां के प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स जो इसके टच में थे, ड्रग मनी का ट्रेल अगर उन तक पहुंचता है तो उनसे भी पूछताछ की जाए। सर, इंटरनेशनल रैकेट बस के, तो इंटरनेशनली कौन लोग इन्वॉल्व है या कोई नाम सामने आए हों? इसका मॉड्यूल एक ऑस्ट्रेलिया में भी है, जिसके संबंध में हम लोग ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड अथॉरिटीज से बातचीत कर रहे हैं। संभवतः जल्द ही हम लोग उनको भी पकड़ने में कामयाब।